लौट आई पांड्या परिवार की खुशियाँ। एक हुई देवरानी जेठानी, श्वेता को लगी हथकड़ी। स्टार प्लस के सीरियल पांड्या स्टोर में श्वेता भले ही फिर से परिवार को तोड़ने की कोशिश कर ले, लेकिन इस बार बारी पांड्या परिवार की है और इसीलिए सभी एकजुट हो गए हैं श्वेता का सामना करने के लिए। तभी तो देखिए कैसे प्रेरणा घूंघट ओढ़े जोकर संग आ गई है बच्चों संग धमाल मस्ती करने के लिए। और देखिए तो कैसे चुटकी भी अपने भाइयों संग शामिल हो गई है इस मस्तीबाजी में, जिसे देखकर श्वेता को हो रही है हैरानी। असल में ये प्लान है प्रेरणा का, ताकि बच्चों को बहला फुसला कर घर से बाहर ले जा सके। डांसर बनी हूँ मैं फिलहाल, जोकर के साथ एंट्री ले रही हूँ। तो ये हमारा फैमिली का इनऑल मिली भगत है दैट वी हैव प्लान समथिंग अगेंस्ट श्वेता, कि हम श्वेता को कुछ ना कुछ कर हम वी आर ट्राइंग कि श्वेता के जो भी प्लान्स और जो भी चीज़ें हैं हम उसे सारी चीज़ों को लाइक बैकफायर करें और यू नो हम लड़ाई करें उसके साथ। सो आई होप ये वाली चीज़ हम हो जाएंगे करेक्ट, हमारा प्लान सफल हो गया। हो गया एक्चुअली में, है ना। हाँ मैं जेल जा रही हूँ। तू चाल चलेगी? फाइनली मैं जेल जा रही हूँ। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ जेल जाने के लिए। मतलब अंकिता बहुत एक्साइटेड है, श्वेता नहीं है, बट हाँ मतलब अब मैं जेल जाऊंगी, जेल की रोटी खाऊंगी, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, तो मैं ये सब करूंगी। इससे पहले कि प्रेरणा भी बाहर जा पाती, श्वेता के सामने प्रेरणा की सच्चाई आ गई और फिर श्वेता देने लगी सभी को धमकी कि घर वाले उसके खिलाफ चाल चल रहे हैं, इसीलिए वो अब पुलिस को बुलाएगी। लेकिन इस बार श्वेता की धमकियों से धरा बिल्कुल भी नहीं डरी, बल्कि उसने श्वेता को सिखा दिया सबक और साथ ही घर में बुला ली पुलिस भी। श्वेता की जो हम सबकी क्लास लगाती थी, पहली बार उसकी क्लास लगी है यार। मतलब लाइक लिटरली अब तक का इट वाज अ फर्स्ट सीन जब हम थोड़े खुश है कि ओके फाइन श्वेता की फाइनली क्लास लग रही है थोड़ी। बस गई लड़की, कोई बात नहीं। आई विल बी बैक, मेरा टाइम आएगा, आई विल बी बैक। हाँ मतलब मैं धमकाते हुए जा रही हूँ। मतलब मेरी तो आदत ही है धमकी देते रहने की, तो मैं इसको धमकाते हुए जा रही हूँ कि तुझे भी देखती हूँ कैसे शादी होती है, कैसे डिवोर्स तो दूंगी नहीं मैं, तो शादी कहाँ से होगी। तो वहाँ वो अपनी तरफ से मैं उनको धमका रही हूँ। वो शेर होता है ना, वो दहाड़ता रहता है, वो उसकी आदत नहीं जाती, उसको पिंजरे में भी डाल दो। शेर? शेर हाँ। लकड़ बग्घा है तू, मैं लोमड़ी हूँ, तू लकड़ बग्घा। चमकादड़? क्या चमकादड़ी? लाइन लिख के आई थी मेरी, चमकादड़ी, चमकादड़ मेल, चमकादड़ी फीमेल। मुझे हंसी आ गई, हम बोलते डायलॉग में हंस पड़े। बेचारी श्वेता इस बार तो बहुत बुरी फंसी है और ये बात उसे खुद भी पता है, इसीलिए देखिए कैसे पुलिस से बचने के लिए वो घर में इधर उधर भागने लगी। लेकिन कहते हैं ना कानून के हाथ लंबे होते हैं, उसकी पकड़ से कोई बच नहीं पाएगा। अभी देखते हैं, वैसे तलाक मैं बोल रहा हूँ कि हो जाएगा, क्योंकि ये साबित हो जाएगा कि बच्चे को लेकर भाग गई थी, तो कोर्ट अपने आप दे देगा तलाक, तो उसकी टेंशन नहीं है। पर ये क्या चाल चलेगी वो टेंशन है कि धूमताना नाना होगा। पहले डिवोर्स ले ले, ऐसे थोड़ी ना होता है। मैं कुछ भी दिखा दूंगी कुछ भी कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हमारी शादी तो थी, ये बीच में आ गई और ये मुझे ऐसे डिवोर्स नहीं दे सकता, इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी, और क्या पता छोड़ भी दूँ, यू नेवर नो।
प्रेरणा क्या लगता है हमारा प्यार जीतेगा कि नहीं? मुझे तुम पे डाउट है। हाँ, मुझे मेरे क्रिश पे डाउट है कि पता नहीं तुम क्या करोगे, तुम व्हाट आर यू गोइंग टू डू। बाकी आई थिंक फैमिली इज विद मी, सो आई थिंक आई विल ट्राई माय बेस्ट कि चीजें सही हो जाए। खैर, श्वेता जेल तो जा रही है, लेकिन जाते जाते वो सभी को धमकी देकर जा रही है, यानी बहुत जल्द श्वेता फिर से आएगी नए ड्रामे और नए हंगामे के साथ। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय जरूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियां।